नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत करते हैं हम प्रायोजित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, हालांकि इसका नाम तो है प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी, लेकिन दोस्तों आज हमारे दिव्यांग साथियों के साथ भी बहुत स्कैमिंग हो रही है, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनको देखकर सुनकर हमारा मन भी कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जा रहा है। तो ऐसे ही फ्रॉड स्कैमिंग को लेकर आज हमारे साथ हैं दो साथी, मानव शाह मुंबई से और जुल्फिकार जी गाजियाबाद से। तो जुल्फिकार जी, मानव शाह जी, आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम। जी, प्रतिभावान दिव्यांग के सभी श्रोताओं को और भारतीय दिव्यांग के सभी श्रोताओं को मेरा मानव शाह सिंगर मानव शाह का बहुत बहुत नमस्कार। और अमर भाई, आप मेरा इंटरव्यू कर चुके हैं जी, रिगार्डिंग म्यूजिक, मुझे बहुत अच्छे से याद है। जी जी 2021 का ही वो वर्ष था जहाँ जहाँ से मैंने आपसे आपसे बात की थी और आपके श्रोताओं से भी बात की थी। और आज एक बार पुनः है, लेकिन आज थोड़ा मुद्दा अलग है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जुल्फिकार जी, कैसे हैं आप? जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा इंटरव्यू 3 बार कर चुके हैं और आज भी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उसी स्कैमिंग के सिलसिले में जो कि अमन चौधरी जी जब फेस टू फेस बात की थी सामने सामने, तो कितनी बातें उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दी थी और कुछ झूठ उन्होंने बोले थे। आज मैं वो भी एक्सपोज करूंगा और मेरे साथ मेरे भाई मानव भी हैं जो अच्छे से हम दोनों मिलकर आज एक्सपोज करने वाले हैं इस नेटवर्क को। जी और जी एक चीज मैं दर्शकों के लिए बता दूं, अमर भाई इंट्रोडक्शन में गलती से एक चीज मिस कर गए, मैं एक्चुअली दरियागंज से हूँ दोस्तों, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, वो थोड़ा अच्छा, जल्दी जल्दी दरियागंज। इंट्रोडक्शन, हाँ इंट्रोडक्शन में मिस कर गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, चलिए। तो जुल्फिकार जी दरियागंज से हैं और मानव शाह तो मुंबई के स्टार हैं, इसमें जी कोई शक नहीं। तो जी बहुत बहुत दोस्तों, शुक्रिया। बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो मुद्दा निकल के आ रहा है, जो चीटिंग का मसला सामने आ रहा है कि भाई कोई चीटिंग कैसे कर सकता है। चीटिंग तो होता ही है, देश में कई प्रकार के चीटिंग होते हैं, कई मामले में चीटिंग होती है, लेकिन क्या ब्लाइंड के साथ भी चीटिंग हो सकती है? ये बात सुनकर हम सहम जाते हैं कि क्या ब्लाइंड के साथ भी चीटिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले मानव शाह से जुड़ेंगे। मानव शाह जी, जैसा कि मुद्दा है, मसला है कि आपके साथ चीटिंग हुआ, तो कब आपको एहसास हुआ कि आपके साथ चीटिंग हुआ, या कब आपको लगा कि आपके साथ फ्रॉड चल रहा है, या कब आपको गलत तरीके से एक्सपोज किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि मानता हूं मैं कि ये चैनल ब्लाइंडों दिव्यांगों के लिए बना है, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि ब्लाइंड नॉर्मल साइटेड ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चीटिंग फ्रॉड वो हर किसी के साथ हो सकता है। तो देखिए, इन लोगों का काम ही है लोगों के साथ फ्रॉड करना, लोगों के साथ चीटिंग करना। आज मैं खुले आम मुंह होके मैं बोल रहा हूँ, बेफाट होके मैं बोल रहा हूँ कि इन लोगों का काम ही है लोगों के साथ चीटिंग करना, लोगों के साथ फ्रॉड करना, लोगों को आस मोहरा बना के उन लोगों का इस्तेमाल करना, जो कि बखूबी बाकायदा ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से करते आ रहे हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपने बात उठाया कि भैया चीटिंग तो चल ही रही है, और चीटिंग ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्मल लोगों में चलती है, ब्लाइंडों में भी चीटिंग चलती है। जी तो हम ये श्रोताओं से कहेंगे कि क्या हम और आप, ये सभी लोग मिलकर, क्या इस चीटिंग को समाप्त नहीं कर सकते? क्या इस स्कैमिंग को बंद नहीं कर सकते? क्या इस फ्रॉड को वहीं का वहीं दफन नहीं कर सकते? क्योंकि क्या ब्लाइंड के साथ चीटिंग करना उचित है? क्या ब्लाइंड के साथ फ्रॉड करना उचित है? एक ब्लाइंड जो पहले से ही कई समस्याओं से ग्रसित होता है, तो क्या उसके साथ चीटिंग, फ्रॉड, स्कैमिंग करना उचित है? ये बात क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं कि एक ब्लाइंड के साथ ये करना बिल्कुल उचित नहीं है? तो जुल्फिकार जी, आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो आपको कब एहसास हुआ कि आपके साथ चीटिंग हो रही, स्कैमिंग हो रही है? खासतौर से अभी हम लोग जो मुद्दे पर चल रहे हैं, जो लड़की वाला स्कैमिंग आप लोगों के साथ हुआ, जो लड़कियों ने आप लोगों को परेशान किया, जो लड़कियों ने आप लोगों को कई तरीके से मतलब मिस यूज किया, या कई तरीके से आप लोगों को परेशान किया, उस मुद्दे को कैसे आप
उजागर करेंगे। हाँ देखिए, वैसे तो आज बहुत कुछ एक्सपोज करने के लिए है, लेकिन अच्छा किया जो आपने ये सवाल इससे पहले ही उठा दिया। जी देखिए, जहां तक लड़की वाला मसला है, तो जैसा कि मानव शाह जी ने कहा कि इस जो ये ऑडियो टीवी नेटवर्क है, इसे बहुत अच्छे तरीके से लोगों का यूज करना आता है, लोगों को मोहरा बनाना आता है, लोगों को धमकी दिलवाने के लिए। अच्छा जब ये अच्छा लोग अपने आप कामयाब नहीं होते धमकी देने के लिए, तो ये लोग फीमेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये लोग ब्लाइंड, एक ब्लाइंड पर्सन को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपने साथ लेने के लिए किस निचली हद तक गिर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं, देखिए ऑडियो टीवी नेटवर्क में आज से 2 साल पहले जब हम थे, तो मानव शाह वहां असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे थे। तो अच्छा वहां पे एक लड़की थी जैसी प्रभाकर करके, और उसकी और हमारी जो है बनी नहीं, कुछ बात को लेकर कुछ विवाद हो गया। और वो विवाद ये हुआ कि मतलब एक लड़की थी वहां, पूजा कुमारी, तो एक गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग का ही मसला हुआ था कुछ। तो उनकी, हालांकि देखिए ये बात आप जान लीजिए, वो उस ग्रुप में थी, फीमेल ग्रुप में, लेकिन उनकी मम्मी ने आकर के ग्रुप में जो है हम लोगों को सुना दिया, और ना सिर्फ हम लोगों को सुना दिया बल्कि रिलीजन पे कमेंट कर दिया उन्होंने। और वो ऐसा कमेंट कर दिया कि जो यहाँ पे बताया नहीं जा सकता दर्शकों को। अच्छा तो उसी बात को लेकर हमारी और उनकी कुछ बहस हुई थी, और उसके बाद खैर मामला तो रफा दफा हो गया, लेकिन वो लगे हुए थे हमारे ही, हमारा ही जो है जाल अच्छे से, मतलब हमें ही अच्छे से काटने में। तो फिर जब मैंने और मुझे और मानव शाह जी को ये लगा, क्योंकि जब हम ऑडियो टीवी के अंदर थे तो ये तो हुआ ही हुआ, उसी वक्त से मुझ पे और मानव शाह जी पे गलत गलत इल्जाम ऑडियो टीवी के लिए लग रहे थे, क्योंकि हम उनकी बहुत सारी बातों से डिसएग्री कर रहे थे, जो कि सही भी था। तो बहुत सारे इल्जामात लग रहे थे कि ये लोग फीमेल की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और ये और वो। तो मुझे और मानव को लगा कि दोस्त यहाँ रहना सही नहीं है अब, ठीक है। तो मैंने और मानव शाह ने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि भाई हम जाएंगे और हम अपने दम पे अपना सीरियल लाएंगे, चाहे कहीं भी लाएं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मानव शाह को मेरे खिलाफ और मुझे मानव शाह के खिलाफ, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और इस काम में अमन चौधरी इन्वॉल्व था। और मैं कुछ बातें भी बता दूं आपको, इन्होंने मानव शाह से ये कहा कि जुल्फिकार आपके रिलीजन पे कमेंट करता है, हालांकि मैंने ऐसा किया नहीं। और इन्होंने मुझसे ये कहा कि जुल्फिकार, मानव शाह तुम्हारी फैमिली पे कमेंट कर रहे हैं। अरे बाप रे, एक बात तो इन्होंने मुझे, अमन चौधरी ने मानव शाह के विषय में ऐसी बोली जो मैं दर्शकों को बता भी नहीं सकता, कि फैमिली पे इस स्तर का कमेंट इन लोगों ने किया, मतलब इन्होंने किया। तो अब जाहिर सी बात है भाई, पहले इतना नहीं पता होता इंसान को, और जब फैमिली की कमेंट करने की बात आए तो इंसान उस इंसान पे भड़केगा ही। सही बात है। तो वही बात हो गई। लेकिन फिर मैंने इनका फ्रॉड धीरे 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 करके पकड़ा, और आज जो है मैं उजागर कर रहा हूं। अब जी जहां तक बात रही लड़की के मामले की, तो देखिए आंचल शर्मा नाम की एक लड़की आज से 3 महीने पहले मानव जी शाह जी के पास आती है जी और उनसे ये कहती है कि हम ऑडियो टीवी में जब ऑडिशन देने आए थे तो जुल्फिकार जी ने मुझसे जो है मेरी डिसरिस्पेक्ट की थी, मेरी बेइज्जती की थी, हालांकि मैंने आंचल शर्मा से कोई बातचीत किसी विषय में नहीं की, मैं जानता तक नहीं। यहाँ तक कि देखिए, मैं जी सॉरी जी टू मानो इंटरप्ट सर। यू, बिकॉज जुल्फिकार जी का कहना यह है कि वो आंचल शर्मा का नाम ही उसने पहली बार सुना है जी। और हमें पता कैसे चला कि इसके पीछे भी ऑडियो टीवी नेटवर्क का हाथ है। जब मामला ज्यादा ही बढ़ गया और मानव शाह जी को आंचल शर्मा धमकियां देने लगी, कभी अपना नाम परी शर्मा बताती है, कभी अपना नाम आंचल शर्मा बताती है, कभी कुछ बताती है, वो मानव से तू तू करके भी बात करने लगी। कुछ ऑडियोज हैं जो कि मैं
उसमें उसने मानव जाति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। जी। अच्छा, तो मैंने इनकी एक दोस्त है प्रिया, तो इसने बहुत अच्छे से फिर एक्टिव होना शुरू कर दिया कि मानव शाह से रोज पूछती थी कि भाई, उससे कहती थी कि आप मेरा इंस्टा अकाउंट फॉलो करें, आप आंचल शर्मा को अनब्लॉक करें, आंचल शर्मा अच्छी लड़की है, ये है वो है। तो जी डेफिनेटली। एक बार मैंने प्रिया जी से कहा कि देखिए, आप आंचल शर्मा को साफ साफ कहिए कि आप मेरा नाम और मानव का नाम कहीं पे एक्सपोज ना करें फालतू में, जब हमने कुछ किया ही नहीं। नहीं तो अगर ये मामला बढ़ा तो बहुत अच्छे से बढ़ेगा फिर। तो उसके बाद ये दोनों तो चुप हो गए। उसके ठीक एक दिन बाद अमन चौधरी का मानव शाह के पास वॉइस मैसेज आता है, क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों को अनब्लॉक रखता ही नहीं हूं। तो मानव शाह जी के पास मैसेज आता है, और उसमें वो पता है अमन चौधरी क्या धमकी देते हैं दर्शकों, सुनिए आप भी। अमन चौधरी ये धमकी देते हैं कि जुल्फिकार को रोक लो, नहीं तो हमें अच्छे से रोकना आता है, और जुल्फिकार अगर नहीं रुका, हमारे बारे में कुछ कुछ बोलता रहा, तो उनका ये बात मीडिया में एक्सपोज होगा। और उन्होंने नाम नाम किस किस का लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द डेली हंट, जो कि बिल्कुल भी उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ। जी। और उन्होंने एक बात कही जो जिस विषय में हमने उनसे कभी बात की भी नहीं, कि तुम लोग जो आंचल शर्मा पे और इन सब पे इल्जाम लगा रहे हो, वो जी। मेरे पास एक एक कॉल रिकॉर्डिंग है, और वो रिकॉर्डिंग भी तुम्हारी वायरल होंगी। मानव शाह ऐसा ही कहा था ना उन्होंने जी आपको धमकी बिल्कुल देने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये अच्छा उठता है मिस्टर अमर, और आप दर्शक आप भी जरा सोचें, कि जब हमने इस विषय में ऑडियो टीवी के किसी भी पर्सन से बात तक नहीं की, तो उन्हें ये सब कैसे पता? सही बात। उन्हें ये सब बातें कैसे पता चली भाई? जब इस मसले पे और कोई बात भी नहीं हुई तो उन्हें ये सब बातें कैसी? इसका मतलब इसके कर्ता धर्ता वही लोग थे। बिल्कुल, क्योंकि शुरू शुरू में आपने जो पॉइंट उठाया ना अपने दर्शकों के सामने, कि फीमेल, उन फीमेल्स को कोई ना कोई तो है जो मोहरा बना रहा है, बिल्कुल। तो ये बात थी। अच्छा, तो मानो शाह जी आपसे जुड़ना चाहेंगे कि मतलब जी जो लड़की थी आंचल शर्मा जिसका आप लोग नाम ले जी रहे हैं, जी जी तो उस लड़की ने क्यों मतलब आपको टारगेट किया, क्यों आपको गलत जी तरीके से बहुत मैसेज किया, और मैं क्यों जी जी उसके पीछे का जी क्या कारण था उसका ये सब जी चीजें करने बिल्कुल का? बिल्कुल, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि जी ऐसे लोग किस तरह से फ्रॉड करते हैं, और कैसे हम लोगों को सावधान, मतलब हमारे दृष्टिबाधित साथियों को सावधान रहने की जरूरत है। ना सिर्फ जी बिल्कुल दृष्टिबाधित बिल्कुल। बल्कि ये इंटरव्यू बहुत जगह पे साइटेड समाज में भी जाने वाला है, जी। जबकि मैं इससे बहुत ऊपर तक पहुंचाऊंगा। तो देखिए, ये लड़की सबसे पहले तो आपको मैसेज करेगी ये बोल के कि क्या आप म्यूजिक फील्ड से हो, क्या आप एक्टिंग फील्ड से हो, क्या फलाना फील्ड से हो, ला 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 ला, ये बोल के आपको मैसेज करेगी। आपके साथ सबसे पहले तो वो मीठी मीठी बातें करेगी थोड़े टाइम तक, फिर आपके साथ ये लड़की जो है वो प्यार का ड्रामा करेगी कि मैं आपको लाइक करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। जब आप उसकी बात को ठुकरा दोगे, आप उसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठुकरा दोगे, तब ये लड़की आपको किसी ना किसी तरीके से आपको बुरा 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 बोलना शुरू करेगी, मेंटली हैरेस करना आपको शुरू करेगी। और वही हुआ मेरे साथ। और इतना ही नहीं, मैंने अपने सोर्सेस इकट्ठा किए, मुझे ये पता चला कि किसी अमीषा नाम की लड़की के साथ भी ये हो चुका है, और अमीषा की भी एक कोई फ्रेंड है, उसके साथ भी ये हो चुका है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये लड़की सिर्फ लड़कों का ही नहीं बल्कि लड़कियों का भी शोषण करती है। मैं आज दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, आंचल शर्मा नाम है इस लड़की का, और मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एक्सपोज नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे फिरक में नहीं है कि किसी फीमेल का या किसी भी पर्सन का मोबाइल नंबर यूज करें। नाम ही काफी लेकिन है, नाम ही काफी है, ऐसे फ्रॉड लोगों जी का तो नाम ही जी काफी है। 81 इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं। आपके पास यदि कोई 81 ऐसे डिजिट से कोई भी मैसेज आता है, प्रोफाइल में नाम सीधा सीधा साफ साफ लिखा है आंचल करके, तो आप उस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दें, अपने कांटेक्ट में ना रखें,
कभी ये लड़की अपना नाम परी शर्मा बता रही है, कभी आंचल शर्मा बता रही है, तो कभी अंशिका शर्मा भी बता रही है। तो अब आप सोचिए, एक लड़की जो ठीक से अपना नाम भी नहीं बता पा रहे हैं, उसकी किसी भी बातों पर हम कैसे विश्वास करें? जी बिल्कुल, उसकी किसी भी बातों पर कैसे विश्वास करें। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात यहाँ पर मेरे दृष्टिवादी साथियों, आप लोगों को तो पहली बात तो एकदम सावधान रहना है, ऐसे लड़कियों से इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। दूसरी बात, ये लड़कियाँ केवल अकेले ही ये सारे काम को नहीं कर रही होंगी, जी इनके जी पीछे बिल्कुल पूरा ना पूरा कोई ना कोई सिस्टम लगा होगा कि तुम ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे ऐसे लोगों को चीट करो, इनके पीछे कुछ ना कुछ सिस्टम लगा होगा, तभी ये इतना सारे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल तो जुल्फिकार जी, आपसे जुड़ना चाहेंगे कि जब आप लोगों को ये चीटिंग, इस फ्रॉड के बारे में पता चला, तो आप लोगों ने कैसे सावधानी बरती? मान लीजिए कोई दृष्टिवादी साथी है, उसको इस तरीके से अगर चीट किया जाए, फ्रॉड किया जाए, तो वो सबसे पहले क्या काम करे, कैसे सावधानी बरते? देखिए, एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है इस फ्रॉड में और उस फ्रॉड में, जिससे कि आप और आपके दर्शक ये साफ समझ जाएंगे कि इस फ्रॉड में ऑडियो टीवी नेटवर्क का पूरा पूरा हाथ है, क्योंकि जुल्फिकार और मानव शाह को तोड़ा जाए ताकि हमारा फ्रॉड का खेल कभी उजागर ना हो पाए। देखिए, मानव शाह जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, जिस तरीके से ये लड़की लोगों को फोन करती है, मीठी मीठी बातें करती है, ठीक उसी तरीके से ऑडियो टीवी और मिस्टर अमन चौधरी का काम है। पहले लोगों को आर्टिकल शेयर करेंगे, उसके बाद मीठी मीठी बातें करेंगे और कहेंगे कि हम आपको ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाएंगे और आपके साथ ये करेंगे, आपको मुंबई पहुंचाएंगे, आपको पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक मिनट, मैं यहाँ पर जुल्फिकार जी को रोक रहा हूँ। अमर बहादुर साहब, आपके और आपके दर्शकों से एक मुद्दा मैं यहाँ पे उठाना चाहूंगा कि ये बोल रहे हैं ना ऑडियो टीवी, ये ऑडियो टीवी, वो ऑडियो टीवी की पहुंच अमर उजाला तक है। चलो एक पल के लिए सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा। श्रोताओं, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि क्या मेरा ये सवाल कितना जो है वो सही है। कोई भी सही कंपनी या चैनल, कोई भी अच्छी कंपनी या चैनल क्या किसी ऐसे कंट्री के साथ काम करना चाहेगी या किसी ऐसी कंट्री के बंदे बंदी को वो काम पे रखेंगे जिसके रिलेशन खुद भारत के साथ इतने अच्छे, मतलब शुरू से ही अच्छे नहीं है, शुरू से ही सरदर्द है? क्या सही बात है, नहीं बिल्कुल नहीं रखेंगे। दैट्स राइट, यहाँ ये मुद्दे को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी, दर्शकों और अमर बहादुर, आप दोनों जरा मुझे एक बात बताइए, ऑडियो टीवी के अंदर ध्यान से सुनिएगा, तीन लोग पाकिस्तान से थे, शकील शकील अहमद, उमर खान और नासिर इमरान। अच्छा, ये लोग इस हद तक गिरे हुए लोग हैं कि इन लोगों को भी वादा करते थे कि हम, देखिए इन्होंने मार्च 2022 में एक वादा किया था कि अप्रैल 2022 से पेमेंट होने वाला है आप सभी लोगों अच्छा को। शकील अहमद ने गूगल मीट पे, उस दिन मैं भी मौजूद था, शकील अहमद ने इनसे सवाल पूछा कि मुझे कैसे होगा पेमेंट। तो उन्होंने, अमन चौधरी जी ने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको भी पेमेंट होगा, उमर खान को भी पेमेंट होगा, नासिर इमरान को भी पेमेंट होगा। आप मुझे ये बताइए, क्या केंद्र सरकार से बिना एफसीआरए कानून के तहत अपना फंड पास करवाए हुए आप किसी फॉरेन कंट्री को पेमेंट कर सकते हैं, वो भी उस फॉरेन कंट्री को जिसका जिसका रिश्ता जो है इंडिया के साथ ठीक नहीं है, जो रोज कश्मीर में गड़बड़ कर देता है, कहीं भी गड़बड़ कर देता है, बताइए। होगा, हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, क्या किसी 9th या 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट की पहुंच इतनी हो सकती है कि वो एफसीआरए के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा लें और पेमेंट भी लोगों को दे दें और मीडिया तक भी उनकी पहुंच हो जाए, उनके कांटेक्ट में लॉयर भी हो जाएं, लॉयर उनके लिए काम भी कर लें, क्या किसी 9th 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट की पहुंच इतनी हो सकती है? ये सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर
विश्वास करना बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल है। ये सारे प्रश्न हमारे श्रोताओं के पास जा रहे हैं, हमारे श्रोता इन सारे प्रश्नों को सुन रहे हैं, तो क्या श्रोता ही इसका सही मसला निकालेंगे? और क्या बात, वास्तव में जो वादे किए जा रहे हैं ऑडियो टीवी के द्वारा, जो उनके कार्य को लेकर उनका जो इतना बखान है अपने कार्यों को लेकर, तो क्या वो सही है क्या नहीं सही है? ये सारी बातें सामने आ रही हैं और कई सारे मुद्दे हैं जो आगे भी हम लोग देखेंगे। तो जुल्फिकार जी बताएं। जी जी तो आप एक बात जरा बताइए, अमर बहादुर जी, आप मेरे ख्याल से तो कॉलेज कर चुके हैं, जी राइट? जी आपका एक चैनल है भारतीय दिव्यांग, जी जी आपके सब्सक्राइबर्स हैं 1.2 के। आप अगर आज अपने चैनल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाने जाएंगे तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगेगी नहीं कि आपने कौन से बिजनेस में क्या किया है, पूरा लेखा जोखा दो? बिल्कुल 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 लेखा जोखा मांगेगी, और प्लस वो चैनल क्या कर रहा है, क्या उसका क्या क्राइटेरिया है, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, कई मायने रखती हैं इन सब बातों के लिए। अच्छा, अगर अमर बहादुर आप 9th क्लास में होते इस समय और आप अपना चैनल चला रहे होते भारतीय दिव्यांग, क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके अपना चैनल रजिस्टर्ड करवा सकते थे? गवर्नमेंट नहीं भाई, कैसे हो सकता है? ऑफ इंडिया आपको क्या कहता कि अभी तो आपकी पढ़ने की उम्र है, पढ़ो, हम आपका रजिस्टर्ड ही नहीं कर सकते? देखिए, बिल्कुल कुल मिला करके अगर मैं आप लोगों को श्रोताओं को बताऊं तो ये कुल मिला करके ये ऐसा है ना कि एक कहावत हम लोगों ने सुनी है, बहुत पुरानी कहावत सुनी है, ये ऑडियो टीवी के लिए बहुत पूरी लागू होती है, वो कहावत है आ बैल मुझे मार। ये अमन चौधरी और उनकी जो पूरी टीम है ना, वो सब ये सब वही कर रहे हैं कि मतलब जानबूझ के लोगों को उकसा रहे हैं, जानबूझ के लोगों को भड़का रहे हैं, जानबूझ के कह रहे हैं कि यार हमारे साथ आइए काम करें, और जब इनके खिलाफ एविडेंसेस एक्सपोज हो जाते हैं तब ये लोग जो है वो लीगल फेक लीगल नोटिस के माध्यम से लोगों को इतना धमकाने की डराने की कोशिश करते हैं कि बाप रे बाप। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात अच्छा बोल रहे हैं मानो अच्छा साहब। फेक लीगल नोटिस पे जी आते हैं। जब आपने अभी एक दो हफ्ते पहले जब मेरी और इनकी बातचीत करवाई थी, है ना, इन्होंने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है 2000 पेज का 2020 में। देखिए मैं यहीं से एक्सपोज कर देता हूँ, वैसे तो अभी मैं एक्सपोज करूंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। अच्छा मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपके पास लॉयर है, लॉयर भी है, ठीक है, जी जी बिल्कुल क्या आपका लॉयर 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही मजिस्ट्रेट से लीगल नोटिस इश्यू करवा लेगा और मजिस्ट्रेट कर भी देगा? हो ही नहीं सकता, हर कार्य के लिए एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। सवाल ये है मेरा दर्शकों, आप एक चीज बताइए, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 69,000 केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग है, निचली अदालतों में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में 5.5 लाख करोड़ 5.5 लाख केसेस हैं जो पेंडिंग है। लोग 20 20 साल न्याय मिलने के इंतजार में, कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं, कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनको अब तक न्याय नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल किसी की जमीनें फंसी हुई हैं, कोई क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है जो अभी तक जमानत नहीं दी गई है उसको, पेंडिंग है वो, क्योंकि जज की कमी है हमारे देश में। तो क्या कोई वकील ऑडियो टीवी के लिए इतना खाली बैठा है, इतना फ्री बैठा है कि जैसे ही कोई इनके चैनल के लिए कुछ बोलने की कोशिश करे वो 1 घंटे के अंदर अंदर ही लीगल नोटिस दे दे? सही बात है, यानी सारे फेक फेक लीगल नोटिस रहते हैं इनके। जी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की कोई संविधान पीठ आज बैठी ही नहीं, क्योंकि सब दर्शक जानते हैं कि 2020 में कोरोना काल था और सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल हियरिंग हो रही थी सिर्फ जरूरी मामलों के लिए, अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती दी गई थी, सीएए की वैधता को चुनौती दी गई थी, एनआरसी की वैधता को चुनौती दी गई थी, आज तक उस पर संविधान पीठ नहीं बन पाई है, तो क्या स्पेशली लीगल नोटिस की केस के संदर्भ में संविधान पीठ बन जाएगी? और वो भी कोरोना काल में। और एक बात मुझे आप बताइए,
जी आज तक सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसी मांग ही नहीं आई है कि हमारा लीगल नोटिस कहीं भी किसी को भी भेजने की परमिशन दी जाए। जो केस ही नहीं आएगा तो कोर्ट उस पर कैसे सुनवाई कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, खुद बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि अगर आपको कोई भी फेक लीगल नोटिस भेजता है या कोई भी फेक वकील बन के परेशान करता है या पुलिस बन के परेशान करता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलेगा। आप स्वतंत्र हैं न्यायपालिका में अपील करने के लिए और आपकी अपील सुनी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, इन्होंने आपकी इंटरव्यू में एक ये कही थी कि अमर उजाला में 29 तारीख को इनकी फोटो आएगी, इनकी फोटो के साथ राइटर प्लस आएगा। देखिए अमर जी, आप एक चीज जानते हैं, जी जी, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी मीडिया के आर्टिकल लिखता रहता है, इसका आर्टिकल छपने में ही कम से कम महीनों लग जाते हैं। बिल्कुल, उसे अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। क्या अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी 9th या 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए, जिसको, जिस मीडिया को उसके चैनल की पॉलिसी नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि चैनल के सब्सक्राइबर जिसके 1K नहीं है, जिसके बारे में मीडिया को ये नहीं पता कि चैनल क्या कंटेंट ला रहा है, कैसे ला रहा है, क्यों ला रहा है, किस लिए ला रहा है, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला बड़े बड़े लोगों को छोड़ के, बड़े बड़े नेताओं को छोड़ के, कवरेज छोड़ के इनकी इनका आर्टिकल लिखने में लगेगा, इनका आर्टिकल लिखने में टाइम वेस्ट करेगा? आप मुझे बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जो उस बार दावा कर रहे थे कि मंडे को आने वाला है आर्टिकल, तो उसका क्या हुआ? जी मैं बताता हूँ आपको, 29 तारीख को अमर उजाला, मैंने अमर उजाला को अच्छे से एक एक पन्ना खंगाल के देख लिया और लोगों से खंगलवा के भी देख लिया, कोई राइटर प्लस किसी बारे में नहीं है। हाँ, कर्नाटक के बारे में है, नई संसद का उद्घाटन हुआ था उसके बारे में है, नई संसद में मोदी के सिंगूल के साथ तस्वीर है, और शपथ लेते हुए वो सर्वधर्म जो प्रार्थना कर रहे थे धर्म गुरुओं की तस्वीर है, विदेशी मेहमानों की तस्वीर है, इतने सारे लोगों की तस्वीर है, लेकिन कोई तस्वीर आई नहीं क्योंकि आनी नहीं थी। गलत बातों को एक्सपोज बस कर रहे हैं अमन चौधरी जी का काम, और पता नहीं क्यों कर रहे हैं वो हमारी दृष्टिबाधित समाज में ऐसा काम। जी अभी तो आप मानव शाह जी से भी सवाल पूछिए क्योंकि ये भी कुछ समय रह चुके हैं, अब इनसे पूछिए जरा आप। जी तो मानव शाह जी, क्या अनुभव रहा आपका अमन चौधरी के साथ कार्य करने का, अमन चौधरी अब के मैं साथ? पूरी विस्तार से बता रहा हूँ। मैं एक कहता है ना कि मेरे अंदर एक सेंस है कि मैं देख के ही पढ़ लेता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं, हमारे एक साथी है राहुल कुमार करके, उनके थ्रो मैं गया वहां पे, और मैं काफी आगे निकल चुका था अपने टैलेंट के बल पे। जी बिल्कुल। तो मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो वहां पे मिली। तो एक प्रथा मैंने शुरू की, एक्टिंग क्लास, जो कि बाकायदा इनके एक्टर एक्ट्रेसेस को सिखाना पड़ता था क्योंकि इनके लोग इतने कच्चे थे एक्टिंग फील्ड में कि हम इन सब चीजों को अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो बाकायदा एक्टिंग हमें उनको सिखानी पड़ती थी, और मैं, मेरा नेचर शुरू से ही ऐसा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ मैं, थोड़ा हर मामलों में, चाहे म्यूजिक हो चाहे कुछ भी हो, प्रोफेशन में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। जी बिल्कुल। तो यही था मामला कि एक्टिंग क्लास में मैं सिखाता था और वहां लोगों को पसंद नहीं आता था, और वहां एक होता है ना पीठ पीछे वार करना, चुगलियां करना, जिसका मतलब होता है वो होता था। तो एक एपिसोड मैंने रिलीज करवाया था वहां पे, या इनका एक शो आता था क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ सीआईटी, ठीक है? तो ये शो उनका चल नहीं पाया। अब आप पूछ लो कैसे, क्योंकि मैं बताता हूँ, इनका कोई भी कंटेंट है ही नहीं सही, समझ रहे हो? इनका एक भी कंटेंट सही दिशा में आज तक कभी ना तो जा पाया है, और अब मुझे नहीं लगता है कि कभी भी जा पाएगा, क्योंकि इनका काम क्या है, अच्छे लोगों को गवाना। एक मैं तो बोलूंगा कि एक मगरमच्छ के आंसुओं की वजह से अच्छे लोगों को गवाना और उन्हीं लोगों को साथ में रखना जो इनके पॉलिटिक्स में इनका साथ देते हैं, ठीक है? और तो हुआ ये कि खूनी सपना की पूरी स्क्रिप्ट स्टोरी राइटिंग मैंने की थी और आइडिया मेरा ही था,
उस एपिसोड का। उस एपिसोड के बाद जो है वो मुझे हटा दिया गया वहां से, क्योंकि मैंने उनकी एक एक्ट्रेस फीमेल की पूजा कुमारी करके, उनको मैंने बोला कि आप एक्टिंग जो है वो सही तरह से करो, तो उन्होंने दूसरे दिन मिस्टर अमन चौधरी से मेरी शिकायत कर दी और उसके बाद जो है वो मुझे निकाल दिया गया। मैं खुद निकाला था, मैं खुद वहां से चला गया था, अगर टू बी ऑनेस्टली मैं बताऊं तो क्योंकि इनका रोल क्या था, अब आप सुनो, कि किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ये लोग एक मूवी बना रहे थे इंडो चाइना के ऊपर, तो इन लोगों का रूल क्या था अब आप सुनो, कि किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई भी अपने निजी काम से बाहर नहीं जा सकता, ये वो ऐसे रूल होते थे। और मैं, आप तो जानते हैं, एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, आप तो सिंगर हैं, आपके तो इतने सारे वीडियोस आते रहते हैं, इतने अच्छे। जी बिल्कुल, तो मुझे तो भाई लाइव शोज के लिए, काम के लिए जाना पड़ता है, तो मैंने इस चीज का विरोध किया, बाकायदा विरोध किया। और यहाँ गौर करने वाली गौरतलब बात आप सोचिए बहादुर साहब की, उसी वक्त ये जो अमन चौधरी साहब हैं, ये ऑडियो टीवी छोड़ चुके थे। अच्छा। क्योंकि ये भाई साहब, ये महाशय कह रहे थे कि मुझे टेंथ की एग्जाम है, प्रिपरेशन करनी है, नोट्स बनाने हैं, ये हैं वो हैं, ये हैं वो हैं, और उसके बाद उन्होंने मेरा जाने का इंतजार किया। जैसे ही मैं गया, गुलाम मयुद्दीन साहब, अमन चौधरी साहब वगैरह जो है वो वापस आ गए ऑडियो टीवी की चमचमाती हुई पारी को संभालने के लिए। ठीक है, अब ये होता है कि इनका एक एपिसोड आता है मिशन दिल्ली, जिसके लिए बाकायदा मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, विलेन का रोल था। अब इसके लिए मुझे बाकायदा वापस से लिया जाता है कुछ समय के बाद, जहां पे इनकी फीमेल जो विरोध करती है कि मानव शाह जो है वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और उसके बाद जो है वो सिलसिला यहाँ तक खत्म नहीं होता है। मैंने और जुल्फिकार ने एक सीरियल बनाने का प्लान किया होता है, विच इज ना कभी होंगे जुदा, एक लव स्टोरी पर बेस्ड सीरियल होता है। तो उस सीरियल को किस तरह से कुचला है अगर मैं आपको बताऊं, तो उस सीरियल का हमने एक ऑफिशियली ग्रुप बनाया था। पापा कहाँ गए थे आप? अच्छा। और हमारे साथ ये होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का ही बंदा, जो कि मैं अगर जुल्फिकार चाहे तो वो उनका नाम एक्सपोज कर सकते हैं,